तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रामगढ़ कैथा का प्राचीन शिव मंदिर। तो मैं यहाँ की जानकारी आप लोग को बता देती हूँ कि यह जो प्राचीन शिव मंदिर है वो करीब जानकारी के अनुसार लोग बताते हैं कि यहाँ जो प्राचीन शिव मंदिर है वो करीब 400 वर्ष पुराना है। काफी ऊपर जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बाबू, जय भोलेनाथ। तो फ्रेंड चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का जो शिव मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और यहाँ का इतिहास बताते हैं। तो सबसे पहले चलिए भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पूरा शिव परिवार है और एक शिवलिंग जो है बोला जाता है कि पहले से है ना बीच वाला, ये शिवलिंग जो है वो बहुत ही प्राचीन है और बाद में ये शिवलिंग को यहाँ बैठाया गया है। तो यहाँ देखिए और वहाँ देखिए, जैसे आप एंटर कीजिएगा यहाँ छोटे छोटे घंटी भी रखा हुआ है, लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बाबू और उनके पापा दोनों को यहाँ पर है झरोखा जैसा, ये देखें खिड़की का आकार में, जो भी आजकल हम लोग खिड़की बोलेंगे। आइए अंदर में और दिखाते हैं और काफ़ी मजबूत है, पहचान नहीं सकते किस चीज़ का बना हुआ है लेकिन ईटा दिखाई दे रहा है कि अगर पूरा ऊपर में तो पूरा खंडर बन चुका है लेकिन मजबूत अभी इतना है कि कहा नहीं जा सकता इसकी खूबसूरती। चलिए कहा जाता है प्राचीन मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है और इस मंदिर का निर्माण राजा देलर शाह ने करवाए थे और एक दिन का बना हुआ ये मंदिर है, 24 घंटा में रातों रात ये मंदिर बना हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही रोचक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका जो, और कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक गुफा है, जो गुफा के अंदर एक कुआं भी है। तो चलिए आपको गुफा के अंदर ले चलते हैं जो बहुत ही डरावना भी है और रहस्यमय। चलिए आज इसका रहस्य को जानते हैं। इधर से तो फ्रेंड काफी यहाँ अंधेरा है। इसे को बुला लीजिएगा। चलो अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। तो गुफा के अंदर का लाइट का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि नाग देवता का स्थान है और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ नाग नागिन आते हैं और नाग पंचमी में यहाँ भगवान के लिए, नाग देवता के लिए खीर रखा जाता है और रोज दिन रखा जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रसाद के रूप में रखा हुआ दोना में रोज रखा जाता है और जिसका नसीब अच्छा होता है, जो जिसका नसीब बहुत अच्छा होता है तो वही देख पाते हैं नाग देवता को। तो इस तरह से आप लोग को हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा कि हम और आगे जाए, इधर ही है ना रास्ता, चल जाओ उधर तीनों को बुलाइए ना, इधर ना कुछ भगवान का तो स्थान है। आइए तो फ्रेंड कहा जाता है इस गुफा के अंदर एक कुआं है और वह कुआं जो है वो राजघराने के लोग, जो राजा देलर सिंह इस मंदिर का निर्माण किए थे, वो गुफा के थ्रू आते थे और आपको दिखाएंगे वो तालाब जो वो गुफा के थ्रू तालाब में जाते थे धीरे धीरे और वहां पर स्नान करके इस मंदिर में पूजा करते थे। तो आइए आप लोग, अंधेरा है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, अब देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो फ्रेंड यहाँ देखिए भगवान भोलेनाथ का तस्वीर रखा हुआ है, और यहाँ बहुत बड़ा एक घंटी भी है, और वहाँ भोलेनाथ का एक त्रिशूल रखा हुआ है। तो यही है वो गुफा फ्रेंड, और यही गुफा से ही एक कुआं था जो अभी इस वक्त नहीं है, क्योंकि उस कुआं को मट्टी से भर दिया गया है, क्योंकि किसी तरह से लोग आना जाना करते हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए उस कुआं को भर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तो वही एक गुफा है जिसके अंदर से राज घराने के लोग आते थे सब परिवार, और गुफा के थ्रू जाते थे। एक तालाब है जिसको हम बाद में दिखाएंगे आप लोग को, और वो तालाब में स्नान करके यहाँ शिव जी का पूजा अर्चना करते थे। तो अंधेरा काफ़ी है, हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अब देखिए अब उतना हम लोग नहीं जा सकते हैं। जो यहाँ के पुरोहित है, जो पंडित है, उन लोग के लिए संभव होगा, हम लोग के लिए आम इंसान है, हम लोग के लिए संभव नहीं हो सकता है। और यहाँ मान्यता है कि आप जो भी आपका मन में इच्छा हो सुनते हैं, तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो ठीक है, चलिए इधर निकलने का रास्ता है। तो देखिए कितने सारे रूम्स हैं यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा आप सोच रहे होंगे कि एक ही रूम से, लेकिन यहाँ एक रूम नहीं है, बहुत सारे रूम हैं। हमको लगता है कि हम कहीं खो रहे हैं। और देखिए अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ से पानी टपक रही है, देखिए। और देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर हवन कुंड भी है, और यहाँ भी दिया लोग जलाए हैं। हो गया, इधर से हम लोग गए थे, बता दो कि इस मंदिर को खंडर इसलिए हो चुका है, क्योंकि बताया जाता है कि इसका सुंदरीकरण इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि पुरातत्व विभाग का कहना है कि इस मंदिर को अभी किसी तरह से सुंदरीकरण ना किया जाए, क्योंकि अगर जो सुंदरीकरण किया जाएगा तो इसका जो प्राचीन का जो अवशेष है, जो चीज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसको। यहाँ एक चमत्कारी बात सुने हैं जो आप बताएँगे, थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ शिवलिंग का जल जो है कान में डाला जाता है ना, और फिर ठीक हो जाता है अपने आप ही फिर इसका, और बहता हुआ और पकता हुआ कान के लिए है, जिसको सुनाई कम पड़ता है ये उसके लिए नहीं है, है ना। तो यहाँ सभी का आस्था है कि जिन लोगों का कान बहता है, पकता है, और जो बहुत दिनों से परेशान है, वो यहाँ आकर के शिव जी का जो शिवलिंग में जल चढ़ता है, उस जल को कान में लगा लेने से कहा जाता है कि कान वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, जो मंदिर के अंदर में जो गुफा है, यानी कि जो गुफा है हाँ, उसके अंदर जो कुआं बना हुआ है, और उस कुएं के थ्रू राजघराने के जो परिवार होते थे, वो गुफा के अंदर जो कुआं है, उस कुआं के थ्रू जो इस तालाब में आते थे, और स्नान अगर करके सभी कोई अच्छे से, और इस मंदिर में, यानी कि जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ आकर के पूजा पाठ करते थे। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती, यही वो तालाब है, यहीं पर राजघराने के लोग आते थे और स्नान करके पूजा पाठ करते थे शिव मंदिर में। तो अब वो बंद हो चुका है? वो बंद किया गया था। अंदर में कुआं था? हाँ, कुआं भी था, पूरा कुआं के साइड से सुरंग का रास्ता था। अच्छा, वही सुरंग जो है तालाब जाती थी ना? वो तालाब। तो राजघराने के जो राजा थे देलर सिंह, ये रानी के लिए था, वो रानी के लिए। तो नहा करके अपना पूजा करेगी, उसके बाद फिर एकदम पूजा होने के बाद फिर राजा के साथ अपना चली आती थी। तो वो कहाँ से उनका जो कलेक्ट था? इनका ये गढ़ बांध है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है एकदम गढ़ बांध। तो राजा का गढ़ था वो, वहाँ पे जैसे कि मेन तो ये पद्मा राजा हजारीबाग का है, तो वो वहाँ से निकल करके हर जगह स्टॉपेज हुआ करता था राजा महाराजाओं का। तो राजा लोग यहाँ पे कभी रामगढ़ का ये हो गया स्थान, वहाँ पे आके अपना वहाँ से घूम फिर करके पूजा पाठ करके ये लोग अपना चले जाया करते। इस तरह से अब वो गुफा को अब हमको मतलब कि कुआं को बंद कर चुका है ना। अच्छा ठीक है, तो अब पूजा जो करते हैं वही अंदर जाते हैं? हाँ, साफ सफाई। अच्छा, साफ सफाई वाला ऊपर से नीचते हैं। अच्छा, अब पूजा होता है तो गुफा जो कुआं है उसको बाहर से ही पूजा लोग करते हैं, क्योंकि वो जो अंदर का कुआं है वो भर दिया गया, बंद कर। साथ में है मेरे हस्बैंड जो कैमरामैन बने हुए थे। हाँ,
तो आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग? बहुत ही मेहनत से हम बनाए हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से हम आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग? अगर यदि अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।